हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाली हूँ एक सनस्क्रीन की जो है बायोटिक का। अब इसमें से कई लोग ऐसे हैं जिनको सनस्क्रीन के बारे में नहीं पता कि इसका यूज़ क्या है, ये किस तरह से चेहरे को प्रोटेक्ट करती है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको सारी जानकारी दूँगी, वीडियो पर बने रहें। ये सनस्क्रीन आता है फेस को धूप से बचाने के लिए। धूप के जितने भी हानिकारक किरण हैं, जैसे धूप की हानिकारक किरण UVA UVB है, इससे चेहरे को प्रोटेक्ट करती है। जब धूप हमारे चेहरे पे पड़ता है तो स्किन के अंदर लेयर तक जा करके पूरे स्किन जो सेल्स होता है, टिश्यू होता है, स्किन टिश्यू, उसे डैमेज करती है और फेस को काफ़ी डल और एजिंग साइन भी देती है, जिससे आपके चेहरे में झुर्रियाँ आती है, पिगमेंटेशन, झाइयाँ या फिर पिंपल्स का भी कारण बनता है। तो इन सब से बचने के लिए आप कोई भी ब्रांड का सनस्क्रीन ज़रूर प्रयोग करें। ऐसा नहीं है कि आप यही यूज़ करें, अपने चेहरे के अकॉर्डिंग, अपने फेस के अकॉर्डिंग आप अपना सनस्क्रीन चूज करें। जैसे मार्केट में अभी कई सनस्क्रीन अवेलेबल है, पर मैं आपको आज बायोटिक के बारे में बताने वाली हूँ। नॉर्मली ये सनस्क्रीन काफ़ी अच्छा है फेस के लिए जिनकी स्किन ऑयली है और साथ ही साथ कॉम्बिनेशन स्किन है। ड्राई स्किन वाले इस सनस्क्रीन का प्रयोग ना करें, क्योंकि ये सनस्क्रीन आपके फेस को काफ़ी ड्राई कर सकती है और अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपके लिए ये बेस्ट होगा। बेस्ट इसलिए होगा क्योंकि बायोटिक के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं और हर्बल प्रोडक्ट्स हैं। इसमें आपको स्किन केयर करने में कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। इसके साथ साथ आप हार्मफुल केमिकल से भी बचे रहेंगे। आपके फेस पे आप नेचुरल चीज़ों का बेनिफिट्स ले सकते हैं। बात करें इस सनस्क्रीन की, तो ये सनस्क्रीन है बायोटिक का सनसील्ड एलोवेरा सनस्क्रीन और ये आता है SPF 30 प्लस के साथ साथ। ये एक अल्ट्रा प्रोटेक्टिव लोशन है जो नॉर्मल और ऑयली स्किन के लिए बेस्ट है। इस सनस्क्रीन में दावा किया गया है कि ये आयुर्वेदिक रेसिपीज का यूज किया गया है जो 100% नेचुरल है, नेचुरल चीज़ों से बनाया गया है। यही सनस्क्रीन पहले मार्केट में अवेलेबल था, वो था बायो एलोवेरा करके, और अभी इसे चेंज किया गया है जो सनसील्ड के नाम से अवेलेबल है। लेकिन दोनों के इंग्रेडिएंट्स काफ़ी सेम है। इसमें कुछ बहुत चेंजेस किया गया है, पैकेजिंग में चेंजेस किए हैं, कुछ बहुत इनके इंग्रेडिएंट्स में चेंजेस किया गया है। अभी के सनस्क्रीन की बात करें तो इसमें इंग्रेडिएंट्स प्रयोग किया गया है, मेन इंग्रेडिएंट्स इसका एलोवेरा है। एलोवेरा के साथ साथ सनफ्लावर एंड सैफ्लावर ऑयल का प्रयोग किया गया है जो आपके चेहरे के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। एलोवेरा की बात करें तो ये आपके स्किन को हाइड्रेट रखने में मदद करती है, इसके साथ साथ स्किन को सूदन बनाती है। जितने भी आपके सनबर्न्स हैं, यानी चेहरा जो धूप के कारण जल चुका है, काला हो चुका है, इसे ये प्रोटेक्ट करती है। इसके अलावा जो सनफ्लावर का यूज किया गया है, सनफ्लावर ऑयल का, वो आपके ओपन पोर्स को अनक्लोग करती है। जैसे जो रोम छिद्र है वो बंद हो चुका, गंदगी बंद हो चुकी है, ये इसे क्लीन करने का काम करती है और चेहरे को फ्रेश बनाती है। इसके अलावा सैफ्लावर के यूज किया गया है जो आपके स्किन को इन्हेंस करती है और आपके टेक्सचर जो है स्किन का, उसे भी बैलेंस रखने में मदद करती है। ये काफ़ी अच्छी इंग्रेडिएंट्स है ये तीनों ही, जिसका प्रयोग करके आप अपने चेहरे को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसे आप अपने फेस पे भी लगा सकते हैं और बॉडी के कई पार्ट्स में भी लगा सकते हैं, जैसे हाथों में या फिर जो एरिया धूप में जाने से आपका खुला होता है, गर्दन में, पीठ में, चेहरे पे, हाथों में, इन सभी जगह आप इस सनस्क्रीन का प्रयोग कर सकते हैं। प्राइस की बात करें तो इस लोशन सनस्क्रीन के लिए लगेंगे आपको 330 रुपये और पैकेजिंग है इसकी 120 ml की, जो आपको एक बोतल पैकेजिंग में मिलेगी। ये काफ़ी ट्रैवल फ्रेंडली भी है, जिसे आपको भी ले जाने में किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने वाली है। लगाने का तरीका भी बिल्कुल आसान है। नॉर्मली आपको फेस वॉश करना है, फिर आप इस सनस्क्रीन का प्रयोग कर सकते हैं। जिस तरह से कोई भी क्रीम आप अप्लाई करते हैं, बिल्कुल वैसे ही सनस्क्रीन का प्रयोग मेल एंड फीमेल सभी कर सकते हैं। लेकिन एक जानकारी आपको देना चाहूँगी, यूज करने से पहले आप एक बार टेस्ट करके ज़रूर देखें कि आपकी स्किन पर सूटेबल है या नहीं, क्योंकि जितने भी स्किन टाइप होती है वो सभी अलग अलग होती है। तो आप एक बार टेस्ट करें, फिर अपने लिए रेगुलर प्रयोग कर सकते हैं इसे। अगर आपको इसे लगाने से किसी भी तरह की एलर्जी महसूस होती है तो आप इसे लगाना बंद करेंगे, साथ ही साथ आप अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही।
उम्मीद करती हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।